में लाखों रुपया कमाती थी, लेकिन आज कूड़े में से कूड़ा इकट्ठा कर रही है। घर वाले किधर हैं? घर वाले अपने घर। पहले क्या करती थी आप? पहले डांस पढ़ती थी, लाखों रुपया तब कमाते थे। शादी में कोई डांस करते कैसे आवाम पैसे फेंकती। क्या कहते थे लोग आपको देखकर? खट्टी मीठी। क्यों, ऐसा कौन सा डांस करती थी जो खट्टी मीठी कहते थे लोग? बस तब खूबसूरत थी, मेरा खुद इतने अपने वालते। कैसे लगी नशे पर? ऐसे धुआं निकाला, मैंने बोला भाई ये क्या है, उनकी तरफ से एक पैसा लगाया, अगली मतलब मुझे खुद तलब हुई। फिर ऐसे आस्ता आस्ता उन्होंने खुद मजीद मुझे नशे की हालत में खुद लगाया। पुरानी जब जिंदगी याद आती है, फिर कहीं सहारे पे बैठ के लिए रोती रहती हूँ। इससे मैं एक ख्वाजा सरा के साथ मौजूद हूँ जो एक वक्त में लाखों रुपया कमाती थी, लेकिन आज कूड़े में से कूड़ा इकट्ठा कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ चीज़ें जो कूड़े में हम लोग फेंक देते हैं वो ये जाकर बेचेगी और अपना एक वक्त का खाना और अपना नशा पूरा करेगी। एक अच्छी जिंदगी गुजारते गुजारते यहाँ तक कैसे आ गई? नाम क्या है आपका? इमली। इमली नाम है। इमली ये बताओ कि ये नाम किसने रखा है? ये मेरे गुरु ने रखा था। गुरु ने रखा था। घर वाले किधर हैं? घर वाले अपने घर। आप इस हाल में कैसे हो? मेरी कुछ चंद दोस्ती थी उन्होंने वजह से। दोस्तों ने, वो भी ख्वाजा सरा थी जी? अच्छा, फिर उन्होंने नशे भी लगा दिया। पहले क्या करती थी आप? पहले डांस पढ़ती थी। डांस पार्टीज पे जाती थी, फंक्शंस वगैरह पर? जी। कितना कमा लेती थी? लाखों रुपया तब कमाते थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए शादी पे कोई डांस करते कैसे आवाम पैसे फेंकती है। हाँ, लोग पसंद करते थे इमली को जी? क्या कहते थे लोग आपको देखकर? खट्टी मीठी। खट्टी मीठी कहते थे? क्यों, ऐसा कौन सा डांस करती थी जो खट्टी मीठी कहते थे लोग? बस तब खूबसूरत थी, मेरा खुद इतने अपने कुल वाल थे। अच्छा, अब तो ये वाल रहेंगे मेरे भी। लंबे लंबे बाल थे, प्यारी भी होगी, अभी भी इतनी स्मार्ट हो जी। प्यारी तो अभी भी हो आप। पहले भी स्मार्ट थी, ऐसी थी जी। उन्होंने नशे पे लगा दिया, कोशिश नहीं की थी छोड़ने की? कैसे लगी नशे पर? ऐसे वो नशा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे धुआं निकाला, मैंने बोला भाई ये क्या है, उनकी तरफ से एक कश लगाया, अगली मतलब मुझे खुद तलब हुई। मैंने उन्होंने बोला भाई ये कश लगवाओ, बोलते 500 रुपया दो। मैंने उनको 500 रुपया दे दिया, उन्होंने एक कश लगवाया, अगली मतलब मैंने फिर बोला भाई एक कश लगवाओ, बोलते और पैसे दो। फिर ऐसे आस्ता आस्ता उन्होंने खुद मजीद मुझे नशे की हालत में खुद लगाया। और आप लगती गई? लगती गई पागलों की तरह। पागलों की तरह फिर सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। घर वालों के साथ क्यों नहीं रहती? घर वालों के साथ इसलिए नहीं रहती, घर में छोटे छोटे बहन भाई हैं, कज़न हैं, चाचे के बेटे हैं, फूफों के बच्चे हैं, कोई ऐसा उदारा कोई कदम ना मेरी तरफ दे के कोई ऐसा कदम नशे में ना लिया। इस वजह से घर वाले तो इधर आते हैं लेने के लिए, मैं नहीं जाता। कितनी देर हो गई है घर छोड़े हुए? कम से कम 3 साल हो। 3 साल से सड़कों पर हो जी। किधर रहती हो, कहाँ पर खाती हो, पीती हो, क्या सब कुछ? इधर फुटपाथ में सोती हूँ। फुटपाथ पर ही सोती हो जी। खाती पीती कैसे हो? इधर आरिफ होटल है, वो रोटी सालन देते हैं, उधर से रोटी सालन में जी। और नशा कैसे पूरा करती हो? ये कचरा दान से कचरा निकाल के कचरा निकालती हो, फिर ये बेचती हो जाकर? बेच के। नहीं होता जिंदगी पर तरस नहीं आता? दुख तो बहुत होते, बस क्या करें। पुरानी जब जिंदगी याद आती है, फिर कहीं सहारे पे बैठ के लिए रोती रहती हूँ। फिर आके चुप करके अपना काम करने शुरू कर देती हूँ। कोशिश नहीं करती हो कि उस टाइम को याद करके छोड़ दूँ? कभी छोड़ने की कोशिश की है नशा? कभी वादा किया खुद से कि अब नहीं करना? काफ़ी मरतबा किया, फिर नींद आ जाती, फिर 10 दिन ऐसी सोई रहती हूँ। फिर ये गुर्दे में दर्द होती है इन नशा ना करने की वजह से, फिर करना पड़ता है मजबूरी से। नहीं तो पुरानी जिंदगी तो बहुत ज़्यादा याद आती है, वो जिंदगी तो बाहर थी, ऐसे गाड़ियों में जाना आना, जैसे नवाब लोग खाते हैं वैसे खाना, हर एक चीज करते थे। अब नहीं, अब सब खत्म हो गया, अब मुकद्दर कूड़े तक ले आए। मुझे ये बताओ कि आपको बहुत सारे लोग इस टाइम देख रहे हैं, कभी वैसे कोशिश किया आपने कि मैं नशा छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं? यहाँ पर लोग नहीं आते, इदारे वाले नहीं आते? इदारे वाले इधर नहीं आते, मैंने कभी नहीं देखे, मुझे तो 3 साल हो गए। अगर कोई मिले तो फौरन चली जाओगी, इलाज करवाओगी अपना? जी फौरन। और अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम दोगी? मैं पाकिस्तान के आवाम से, बहन भाइयों से ये अपील करना चाह रही हूँ, अपने उदारा अपने बच्चों की तरफ
मस्जिद तवज्जो दें, वो ना हो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कदम इस नशे की तरफ ले आए। उदारा आपका बच्चा कोई भी नशे पे लग गया, ये नशे की हालत करते जैसी मेरी हालत है इस टाइम। चंद लम्हों की लज्जत के लिए हम लोग वो धुआं उड़ा तो लेते हैं जो भी लोग ये नशा वगैरह करते हैं, लेकिन अगर आप उस पर लग गए ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी तबाह है। अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना है ना, इस तरह का कोई भी फेल कर लें उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी फिर तबाह ही है। अल्लाह हम सब के बच्चों की, जितनी भी नौजवान नस्ल है, सब की हिफाजत करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।